उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कद्दू के बीज के अंदर की जो गिरी है उसके फायदे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कद्दू के बीज बहुत पसंद है और कद्दू की सब्जी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को यह नहीं पता होता कि इसमें इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी और सब्जी में नहीं मिलते। दोस्तों, वैसे कद्दू जहां फायदेमंद सब्जी है, इसके बीज भी इतने ही 100 गुना ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, 100 गुना ज़्यादा फायदों से भरे हुए हैं। ये बहुत ही गुणकारी बीज हैं, इनका सेवन हमें हमेशा ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको कद्दू के बीज के फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कद्दू के बीज हैं और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये कद्दू के बीज के अंदर की गिरी है और ये इस तरह के डब्बे में मिलती है। आप ये देख रहे होंगे पंपकिन सीड, ये किसी भी राशन शॉप पर मिल जाएगी आपको, और या मॉल में जो राशन की एरिया होता है, राशन का सेक्शन होता है, उसमें वहाँ पर आपको 100% मिल जाएगा। तो इसको आप लाएं, इसके बेशुमार फायदे हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं और इसको ले आएँ और घर में रखें, ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, आपके टोटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आइए चलते देखते हैं इसके कौन कौन से फायदे हैं। दोस्तों, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है। कद्दू के बीजों में उचित मात्रा में जिंक होता है और यह इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार होता है। वायरल फीवर हो या सर्दी खांसी और जुकाम जैसे संक्रमण से सुरक्षित हमारे शरीर को बनाता है। इसके अलावा यह डिप्रेशन दूर करने में भी हमारी मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए ये बहुत ही गजब की दवा है। सालों से कद्दू के बीजों का इस्तेमाल पुरुषों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसमें मौजूद जिंक की मात्रा प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसके अलावा दिल को स्वस्थ रखने में भी इसका कमाल का जादू के जैसा काम है। यह स्वस्थ दिल के लिए काफ़ी कारगर होता है। कद्दू के बीज से भरा हुआ 1/4 कप हमारे दिन की पूरे दिन की मैग्नीशियम की ज़रूरत को पूरा कर देता है। यह दिल को स्वस्थ और सक्रिय रखने में भी काफ़ी लाभकारी है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हार्ट अटैक जैसे बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, काफ़ी मददगार है ये, और मधुमेह का जो खतरा है वो भी इससे कम होता है। दोस्तों, कद्दू के बीज यदि हम सेवन करते हैं तो इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करने का ये बहुत ही गजब की दवा है। ऐसे में यह मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। नींद के लिए भी ये बहुत बेहतर बीज हैं। यदि हमें नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप इसको रात को सोने से कुछ देर पहले आप 1 चम्मच से 2 चम्मच तक आप इसको ले लें, चबा चबा कर इसको खा लें और ऊपर से मिश्री मिला हुआ थोड़ा सा दूध पी लें, गर्म दूध, उसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी। आप चाहें तो इन्हें किसी फल के साथ भी आप ले सकते हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करने से तनाव खत्म हो जाता है और जब तनाव ही नहीं रहेगा लाइफ में तो नींद भी अच्छी आएगी, तो इसलिए कद्दू का बीज खाना बहुत फायदेमंद है। अब दोस्तों, हम बता दें आपको, जितनी भी हमने आपको बताई है बीमारियां जिनमें ये फायदेमंद है, उन सभी के लिए एक ही तरह से आपको ये कद्दू के बीज खाने हैं। आप इसमें से हर रोज 2 चम्मच कद्दू के बीज लें और इसे अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करें, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट के साथ इसको खा सकते हैं आराम से, ये बहुत टेस्टी है। और चाहे तो आप इसको देसी घी में तवे के ऊपर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करें, गरम करें और खाएं, बहुत स्वादिष्ट होता है। आप बिना फ्राई के भी इसको खा सकते हैं इसी तरह से जैसा ये है, ठीक है। तो ये है इसको खाने का तरीका। बस परहेज आप इसको यही कर सकते हैं खाने में जो हम हमेशा ही आपको बताते हैं, तली हुई चीज़ें या डीप फ्राई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, उनका सेवन तो बिल्कुल ही ना करें, ये हमारे शरीर के लिए हमेशा ही नुकसानदायक होती है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें और
ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें मोटापा बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है, इनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, पोषक तत्व हमें मिलते नहीं हैं इनसे, ठीक है। तो इनसे सब नुकसान ही होता है, और इस नुकसान से बचने के लिए इनका सेवन करना ही छोड़ दें तो बेहतर है। दोस्तों ये थे कद्दू के बीज के बेमिसाल फ़ायदे। ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है जिसे आप अपना कर अपने आप को बहुत ही सुरक्षित, हेल्दी और बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो और बताई गई टिप्स यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।